का मतलब होता है क्या? 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। अगर बोलेंगे 5/4 को प्रतिशत में बदलें, क्या आएगा बताइए? 5/4 को प्रतिशत में बदलना है, किससे गुना करेंगे? 100 से। तो 5/4 × 100 कितना परसेंट होगा? 125% होगा। क्लियर है ये? ये कल बताए थे प्रतिशत बदलने के लिए। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे कि बोलेंगे 40% का मतलब क्या होगा? 40/100 कटा देंगे तो 2/5 भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे ही 2/5 को प्रतिशत बदलने का प्रयास करेंगे 40% हो जाएगा। देखिए 100 से गुना किए, 5 से 20 बार 20 × 40%, यही चीज आ गया ना घूम के, समझ गए? यही हम पढ़ाए थे। और क्या कुछ क्वेश्चन लिखाए थे प्रतिशत वृद्धि कमी का, x/100 + -x × 100 लिखाए थे ना। और कल कितना दूर तक क्वेश्चन हुआ था इसमें? 15 तक तो 23 तक हुआ था, लेकिन बीच में छोड़े थे क्वेश्चन, 15 नहीं हुआ था। अच्छा अगर हम बोलेंगे कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, अच्छा ये 15 नंबर है ना, एक फॉर्मूला बताए थे प्रतिशत वृद्धि कमी का, क्या बताए थे बोलिए? क्षेत्रफल हो, वेतन हो, पेंशन हो, आय हो, व्यय हो, ये सब का क्या होता है फॉर्मूला? +x + -y + -xy/100। किसमें यूज करेंगे? प्रतिशत वेतन, पेंशन, आय, व्यय, इटीसी, कुछ भी इसमें यूज करेंगे, समझ में आया? पढ़ा भी चुके थे, लिखिए क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा। लिखिए एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में, लिखिए जल्दी से, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो, 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? 18 नहीं होगा। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? फॉर्मूला बैठाइए फटाफट, वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस, ठीक है बेटा? ये प्लस, जहां वृद्धि वहां प्लस, जहां कमी माइनस, लेकिन बीच में क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, बीच में होगा माइनस। हो गया नहीं हुआ? अच्छा कितने वृद्धि हुआ पहले? तो +20 लिखे, फिर कमी कितना हुआ? तो -10 लिखे, अब प्लस माइनस माइनस, 20 × 10/100, 0 जो कट गया, तो 20 में 10 घटा कितना हुआ? 10, 20 में 10 घटा तो 10 आई, 2 × 2 = 2 घटा कितना हुआ? 8। 8 प्लस में आया कि माइनस में? ज्यादा से प्लस का प्लस में, तो 8% का क्या होगा? वृद्धि हुआ। कोई बात नहीं, 8% का क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है? क्लियर है ये? कोई दिक्कत किसी को इसमें? लिखिए एक गोले की त्रिज्या में, अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए तो, 30% की वृद्धि नहीं लिखिए, कमी लिखिए, 30% की कमी की जाए तो एक गोले की त्रिज्या में
30% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एक गोले की त्रिज्या में 30% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बनाइए वही है। अच्छा, गोले की त्रिज्या किया तो x भी 30 और y भी 30, क्योंकि उसमें तो अलग अलग होता नहीं है। बनाइए फटाक से, x भी 30 y भी 30, गोला है, त्रिज्या सब रहेगा तो वही हो जाएगा, या वृत्त रहता या वर्ग रहता वही रह जाता। हाँ, कमी में माइनस, वृद्धि में प्लस, तो क्या होगा बोलिए? कितना कमी किए हैं? 30, तो माइनस 30, अब फिर माइनस 30, x भी 30 y भी 30, अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 30 गुना 30 बटे 100, जीरो जो कटाइए, 30 30 कितना हुआ? 60, माइनस 60 अब प्लस 9, घट जाएगा ना, तो माइनस 51, तो मतलब 51% की क्या हुआ? कमी हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ? 51% की कमी। समझ में आया? बीच में माइनस इसलिए होगा कि दो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। फॉर्मूला पे तो बताए, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स वाई वाई। देखिए इसमें क्या फायदा आपको? ना आपको फॉर्मूला याद करना, गोला का, शंकु का, बेलन का, क्या फॉर्मूला था, कोई काम है उससे? है, मेंसुरेशन से काम है? सिर्फ इससे काम है, इतना टाइम याद कभी भी रह जाएगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को? एक और लिखिए जल्दी, ये क्वेश्चन पूछेगा, हम इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं। लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बन गया, रखिए फॉर्मूला उसी पे। बन गया ना, तो 20% वृद्धि, तो प्लस 20, वाई भी प्लस 20, फिर प्लस प्लस प्लस, 20 गुना 20 बटे 100, जीरो जो कट गया, 20 20 40 प्लस 4 कितना होगा? 44% का वृद्धि हो गया बस। अरे वृद्धि हो रहा ना, सब में प्लस, कमी होगा तो माइनस, जहां कमी वहां माइनस, सब में नहीं। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 20% वृद्धि की है तो x भी 20 y भी 20, तो ये बीच में प्लस है होगा, प्लस गुना प्लस क्या आता है? प्लस। ये क्यों होता? सुनिए, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए बीच में उसमें प्लस हुआ था, नहीं समझे? और प्लस गुना प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस। चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तो माइनस, चिन्ह समान रहेगा तो प्लस। 44 40 है, 40 प्लस 4, ठीक है ना वकील? ये बीबी हो गया ना। एक और लिखिए लास्ट, हम इसलिए लिखा रहे हैं कि लेट से सवार है तो क्वेश्चन छूटे नहीं। लिखिए, एक वर्ग की भुजा में, जल्दी लिखिए, एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पेरिमीटर में, परिमाप में, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके परिमाप में, पेरिमीटर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
हम जो फॉर्मूला आपको बताए थे किसका बताए थे, क्षेत्रफल का बताए थे कि नहीं, कहीं परिमाप का लिखे थे, तो परिमाप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 10% बढ़ेगा तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं। आप गलती तुरंत कर दीजिएगा। इसीलिए तीन चार गलती करने के लिए तीन चार क्वेश्चन हम ले गए तब वहां पर गलती कराए, तो इसलिए हम फॉर्मूला लिखाए थे क्षेत्रफल का ना कि परिमाप का। परिमाप का लिखा है तो परिमाप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही रह जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पर। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है 15 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, मतलब पहले मूल्य कितना था 100, अब कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत इसमें? 100% था, 25% बढ़ेगा 125, 10% बढ़ेगा 110। तो कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं में कितनी कटौती करे कि खर्च 10% बढ़ाना पड़े। खर्च 10% बढ़ाने का मतलब 125 से घट के कहां पर आएंगे 110। पहले जो 100 होता था, कहता था खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब 125 से 100 पाते। अगर कहता खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, बताए थे ना 25/125 × 100, बताए थे कल। लेकिन कह रहा है खर्च पर 10% वृद्धि हो, मतलब 125 से घट के कहां आएंगे 110 पर, तो कितने कम करेंगे बोलिए? 15 किस में? 125 में गुना 100, 5 × 3 = 15, 5 × 25 = 25, 4 × 3 = 12% का क्या करेंगे? वृद्धि की कमी, वृद्धि कमी 125 110 आएंगे, नीचे ना रहे हैं, कमी कर कमियत लिखे हैं। हाँ ठीक, कहता वृद्धि बोल दिया। ठीक है, समझ में आया कि 100 दाम था पहले, हो गया 125, बोलता कितने कम करेंगे 10% बढ़े, मतलब 100 से 110 हो, तो 15 कम करेंगे किस में? 125 में, तो 15/125 × 100, तो कितना कमी करेंगे? 12% की कमी करेंगे। क्लियर है ये? क्लियर है ना? लिखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को? 100 से 125 हुआ था, फिर 125 सबको 110 पे आना है, 15 ही ना कम करेंगे, किसमें कम करेंगे? 125 में, तो 15/, जिससे कंपेरिजन करते हैं उसी को नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं ना उसी को नीचे रखते हैं, तुलना किससे कर रहे हैं? 125, इसलिए 125 नीचे रखते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, एक मनुष्य एक मनुष्य आवश्यकताओं में कटौती कितनी करे, एक मनुष्य आवश्यकताओं में कटौती कितनी करे कि खर्च में 5% की वृद्धि हो, कि खर्च में 5% की वृद्धि हो। खर्च में 5% की वृद्धि हो, बनाइए फटाफट। इसी तरह से है, देखिए बना लीजिएगा, चीटिंग भी कर सकते हैं, बनाइए। बन गया, पहले था 100, कितना बढ़ा 120, बोलता है कि कितना कम करे खर्च 5% बढ़े, मतलब 105 हो, तो कितना कम करेंगे? 15 किस में? 120 में गुना 100, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 24 बार में 3 = 8 से कटा देंगे
12, तो 12.5% की क्या करेंगे, कमी करेंगे या कटौती करेंगे, खर्च में 12.5% की कमी या कटौती, जो बोलिए। कोई दिक्कत किसी को? ना ना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? चल, अरे भाई 100 था, 120 हो गया, मतलब कितना कम करेंगे खर्च, 5% बढ़े, मतलब 100 टका था खर्चा, 100 पहुंचे हो, तो 15 कम कीजिएगा, किसमें कीजिएगा, 120 में, जिसमें करें उसी के नीचे रखें, गुना 100, समझ गए। अब आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ध्यान से सुनिएगा, उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, विजयी उम्मीदवार को 48% है, सुनिए ध्यान से, टोटल मत कितना का होगा 100 का, अब 5% ने भाग नहीं लिया, 5 घटा देंगे तो 95% ने भाग लिया है, नहीं लिया है, कोई दिक्कत, 100 में 5 को लड़का 5% भागे नहीं लिया, 95 ये ना भाग लिया है, और कह रहा जो विजयी उम्मीदवार है जो जीत गया है वो कत्ता लाया है 48%, तो हारने वाला कत्ता लाया होगा, तो 95 में 48 घटाइए 47%, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से, टोटल मत था 100%, टोटल कत्ता मान लें, टोटल मत 100%, 105% भागे नहीं लिया, 95% भाग लिया, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, 105% भाग लिया, 95% भाग लिया, और 95% टोटल भागे लिया है, और जो जीता है ना वो 48% लाया था, हारने वाला तो 95 में 48 कम में लाएगा, सीधा बात है, हारने वाला कम लाएगा तभी हारेगा वो, तो 95 में 48 घटा तो हारने वाला कत्ता लाया 47, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हुआ, 100 में 5% भागे नहीं लिया, बचा 95, जीतने वाला लाया 48, 95 में 48 घटाएंगे कितना होगा 47, हारने वाला कौन लाएगा 47, अब कह रहा है कि 4000 मतों से विजयी हुआ, सही बात है, विजय हुआ है ना, तो कितना मत अधिक लाया है जीतने वाला, कितना लाया मत, 1% अधिक लाया है, कितना परसेंट अधिक लाया है, 1% अधिक मत लाया है, 1% क्या लाया है अधिक, यही बराबर कितना दिया है 4000, समझ में कुछ आया, कह रहा है कि 4000 मतों से विजयी हुआ, मतलब 1% बराबर 4000, कोई दिक्कत किसी को, तो हम कह रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला, हारने वाला कितना मिला बोलिए 47%, हारने वाला को 1% बराबर 4000, 47% बराबर 4000 गुना 47, 0 0 0, 628 कर बचा दो, 4 4 16 दो, 188000, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलिए फिर सुनिए, टोटल मत था 100%, 5% भागे नहीं लिया, बचा 95, जीतने वाला लाया 48, जब जीतने वाला 48 लाया तो हारने वाला लाया 47, ये जीत गया, कितना मत से जीता देखिए 1% से, वही कर 4000 मतों से जीत गया, 1% बराबर 4000, तो कर हारने वाला कितना लाया, तो 47% लाया, 1 बराबर 4000, 47 बराबर क्या होगा 4000 गुना 47, समझ गए। 17 नंबर क्वेश्चन में कुछ है बताइए, 60% लड़का है और लड़की कितना होगा बोलिए 40%, तो 40% बराबर दिया 972, तो लड़का का रहा कितना होगा था 60% बराबर क्या होगा, देखिए
17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कुल विद्यार्थियों का बॉयज कितना है 60% है, तो लड़की कितना होगी गर्ल्स 40%, और लड़की दिया गया है 40% बराबर 972, कोई दिक्कत तो करे विद्यार्थी कुल कितने लड़के हैं, तो लड़का कितना है 60%, तो 60% बराबर क्या होगा बोलिए 972 बटे 40 गुना 60, जीरो कट जाएगा, चार से कटाइए, 4 × 2 = 8, 1 = 17, 4 × 4 = 16, 1 × 12 = 12, तो 243 गुना 6 × 3 = 18, 8 + 1, 6 × 24 = 25, 1 × 5 = 2, 6 × 12 = 1458, 1458 कौन होगा बोलिए, 60% क्या था बॉयज था, लड़का था, क्लियर है कि नहीं बोलिए, 40% अगर 60% लड़का है तो 40% लड़की, और लड़की का संख्या दिया 972, तो 40% बराबर 972, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 972 बटे 40, तो 60% क्या होगा, तो 972 बटे 40 गुना 60 कटा दिए, कोई दिक्कत है बोलिए, क्लियर है कि नहीं, लिखिए जल्दी से, क्लियर है, आते हैं क्वेश्चन 18 पर, किसी को दिक्कत भी इसमें समझने में, दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार घर में जरूर रिवीजन करके बनाइएगा तब हल्का ज्यादा लगेगा, तो एक बार में कोशिश रहता है समझाने का, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, अठारह नंबर क्या दिया है, एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, देखिए कैसे है, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या x दूसरा y, तो करा एक संख्या का कितना प्रतिशत बोलिए, 5/100 लिखे, प्रतिशत का मतलब बटे 100 बोले थे ना, एक संख्या का 5% प्लस दूसरी संख्या क्या है y का कितना प्रतिशत 4/100 लिखे, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या के कितना प्रतिशत, पहली संख्या के 6% अब प्लस दूसरी संख्या का 8% का कितना है 2/3 का 2/3 का 2 × 2/3 कर दिए बन जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम होगा कितना 100, ऊपर होगा 5x + 4y बराबर, इसका भी एलसीएम होगा क्या 100, ऊपर क्या होगा 6x + 8y, लेकिन गुना क्या किए हैं 2/3, ये 100 कट ही जाएगा, 3 से इधर गुना हो जाएगा, 3 × 5 = 15x + 3 = 12y, 2 से ऊपर ऊपर गुना के 2 × 6 = 12x + 2/16y, x को एक साइड कर लेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 15 × 12 घटेगा कितना होगा 3x, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में तो 16 × 12 घटेगा क्या होगा 4y, तो एक्स बटे वाई क्या आएगा 4/3, तो 4 अनुपात क्या आएगा 3, यही कारण पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, अपने भी आप इसे लिखिएगा ना अपने बन जाएगा आपसे, ऐसा नहीं बहुत भारी है, खाली सजाते जाना है, दिमाग का कोई कमी नहीं है, कराकी सुनिएगा ध्यान से, अगर ए बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% क्या है कम है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ए है बी है और कौन है सी, ए बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, तो सी से कितना कम है 20%,
तो सी का कितना मान लें 100, तो कौन कम है ए। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तो सी अगर 100 तो ए कितना 80, लेकिन कहता है कि बी से 20% अधिक है, इसका मतलब कि नहीं 60 नहीं, बी का 120% बराबर 80, समझ में आया 60 नहीं होगा, क्या कह रहे हैं बी का 120% बराबर 80, लिखिए छोड़िए उतारिएगा बाद में फिर से बताते हैं। देखिए ए है बी है, सीधे सीधे बताते हैं, ए बी से कितना अधिक है बोलिए 20%, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 120, कोई दिक्कत यहां तक। कह रहा जबकि सी से 20% कम है, तो सी से ना 20% कम है तो सी का 80%, 20% कम का मतलब कितना है 80%, यही बराबर कितना होगा 120। सी से कितना कम है 20% कम है, तो सी का 80% 120 के बराबर होगा। सी से 20% कम कौन है, ए है, ए तो 120 है, तो सी का 80% बराबर 120, जीरो जो काट दीजिए 8 से कटेगा 15 थी 20 से उधर 10 गुना हो गया, तो सी बराबर कितना हुआ 150, तो सी कितना हुआ 150, समझ में। अब देखिए ए जो है बी से कितना अधिक है 20%, 80 से कितना कम है, कितना कम है 20%, देखिए इसका इसका 20% कितना होगा 150, 20% कितना होगा, उसी संख्या भी तो बना रहे हैं, ऐसे नहीं होता भाई 20% कम है 140 का है, 20 कम नहीं करा 20%, 20 और 20% में जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है ऐसा नहीं है, ठीक है कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तब तो प्रतिशत चैप्टर ही नहीं आता, ठीक है। अब सुनिए इसका 20% कितना होगा 30 नहीं होगा, इसमें 30 घटाएंगे 120 नहीं पूरेगा, अरे 120% 30 से होगा तो 30 घटाएंगे 120 नहीं पूरेगा, ठीक है 140 120 और 100, सोच रहे ना आप 140 120 और 100 नहीं, क्राइम हो जाएगा तब, समझ गए। अब क्या कह रहे देखिए, कह रहा है बी सी से कितना परसेंट कम है, बताइए बी कितना कम है सी से 50% कम नहीं है, 50 कम है, कितना कम है 50, तो बोलेंगे कितना कम है तो 50 कम है किससे 150 से, 50 गुना 150 बटे 100, 50 दिया 150, 100 बटे 3 कम है, इसको 100 बटे 3 को क्या बोलेंगे 33.3% कम है, कौन कम है बी किससे सी से, लिखिए इसको अच्छे से, बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक दोबारा और रिपीट हम कर देंगे, लिखा भी देंगे। क्या कि ए बी से 20% अधिक है, इसका 100 इसका 120, और सी से 20% कम है, मतलब सी का 80% बराबर 120, 20% कम है इसलिए सी का 80% लिखें, अगर कहता कि सी से 30% कम है तो 70% बराबर 120 लिखते, समझे, इसलिए सी कितना है 150। अब कह रहा है बी जो है ना वो सी से कितना कम है, कितना कम है 50, कितना कम है किससे सी से, सी है कितना 150, तो 50/150 गुना 100, तो 33.3% कम है किससे सी से, कौन कम है बी, ठीक है लिखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि सुनिए ए जो है ना वो सी, रुके ए जो है ना सी से 20% कम है, तो सी का नहीं ना दिया है तो सी का 80% ना होगा ए का इनकम, तो सी का 20% कम है इसीलिए 80 लिख रहे हैं। आप बोलिए क्या बोले थे, भाई सी का 80/100 बराबर 120, जीरो कटा 8 से 15 बार में नहीं कटेगा 15 20 से, भाग में 10 है गुना में बदला, क्या दिक्कत अपने से कटाइए ना आपका आ जाएगा, अपने नहीं कटाए इसीलिए अपने कटाइए ना, अभी कही गायत्री खल के कलम कलम ऐसे पकड़े रहता छोड़बे नहीं करेंगे, कलम जब छोड़िएगा ना तो धाए धाए आंसर आएगा, गलतियों लिखिए ना लिखे भी नहीं करे गलती। अच्छा हम कहेंगे 20% कम है, कोई लिखेगा 170 लिखेगा, कोई वो 80 लिखेगा, खाली कलम चलाएगा भी सही होगा, कलम नहीं चलाते इसलिए भारी है, ठीक है। चार बार जो क्वेश्चन पढ़ लेगा ना ऐसे क्वेश्चन कमजोर हो जाएगा,
क्लियर है ये? लिखिए क्वेश्चन, यदि ए की आय, लिखिएगा, यदि ए की आय यदि ए की आय, जल्दी लिखिए, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तथा बी की आय सी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% कम है तो 20 बी की आय सी से 20% लेस है, कम है, तो ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, बनाइए। तो ए बी सी, तेज बनाइएगा, भारी लग रहा है इसलिए लिखा दिए। एक और क्वेश्चन बन गया, देखिए कितना 36। देखिए क्या था क्वेश्चन, पढ़िए तो। हाँ ठीक है, देखिए बी की आई सी से कर है ना, तो सी का मान लीजिए 70, 100, तो बी का कितना होगा 80। किसी को कोई दिक्कत? सी का मान लेते हैं 100, तो बी का कितना होगा 80, और ए का बी से कितना अधिक है 25% अधिक है, बी का है कितना, तो 80 का 125%, यही ना होगा, 25% अधिक को 125 से बटे 100 बोलेंगे, हो इतना देर से यही बोल रहे हैं, 25 से 5 बार में, 25 से 4 से, 4 से क्या बार में, 20 बार में, 20 पंचे 100 कितना होगा 100, तो कह रहा ए की आय सी से कितना परसेंट अधिक है, बराबर है, तो क्या होगा आंसर 0% अधिक है, बराबर आ गया तो अधिक कहां से होगा। फिर सुनिए, कह रहा ए की आय बी से 25% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो सी का मान लेते हैं 100, इसका होगा 80, 80 कैसे हुआ बोलिए, 20% कम है, तो 20% का मतलब 80/100, 20% 80 इसलिए हुआ कि 100 का क्या लिखेंगे 80/100, 80 कट, 100 कट गया, 80 हो गया। अब कह रहा ए का इनकम बी से कितना अधिक है, 25%, 80 का 125/100, या क्या करेंगे दूसरा तरीका, 80 का 25% निकालिए कितना होगा, 25 चौके कितना आया 20, तो 20 इसमें जोड़ देंगे ना हुआ 100, या तो इसका 25% निकाल किसमें जोड़ देंगे या डायरेक्ट 125 निकाल देंगे, तो कितना है 100, ये कितना है 100, ये भी कितना है 100, इसका मतलब कोई अधिक है क्या, नहीं बराबर है, तो 0% अधिक है, 25% अधिक को 125 ही बोलते हैं, 10% अधिक को 110 बोलते हैं, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 125/100 लिखिए, क्लियर है कि नहीं, चलिए। नहीं नहीं फॉर्मूला पे नहीं आएगा, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है ना, इसीलिए तो हम आपको एक सवाल में दिक्कत हुआ तो एक और लिखा दिए, दिक्कत नहीं हो, ठीक है, क्लियर है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर, पढ़ाया हुआ है 23 नंबर फास्ट, सबसे बनना चाहिए, एकदम रटा दिए हैं, लेट होगा तो ये पूछबे करता है सब क्वेश्चन, परसेंटेज पढ़ाए थे ना कल 23 नंबर, ठीक है जल्दी बताइए।
नौ पूर्णा सबसे बन गया, जल्दी बनाइए सब। कल्ले का बताया वो क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आता है परसेंटेज में। क्या कर रहा है, ए किया है बी से 10% अधिक है, क्या होगा 10/110 × 100। बस फॉर्मूले शुद्ध बना है एक्स, ठीक है सर, एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स गुना 100, नहीं लिखा है फॉर्मूला, छोड़िए ना आप समझिए ना, फॉर्मूला याद कितना रखिएगा, मिनटे मिनट फॉर्मूला देंगे, बेसिक को समझेंगे ना हम लोग कभी भी कंसेप्ट को, नहीं हुआ ये क्लियर सबका। 10/110 × 100 जीरो जो कटा दिए, 100/11 कितना होगा 9 × 1/11%। क्या करेंगे, कमी की वृद्धि, कमी करेंगे, क्यों कमी करेंगे, क्योंकि बढ़ा है अब कम करेंगे, अब कमता तो बढ़ाते, दोनों ऑप्शन रहेगा, कमी वृद्धि दोनों रहेगा, कोई अकबका के कमी मार देगा, कोई वृद्धि मार देगा, तो अगर पहले बढ़ा है तो बाद में कम, अब पहले कमा है तो बाद में वृद्धि, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बचा है ना, एक 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए, एक कस्बे की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना होगी, जनसंख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, बताइए जल्दी से, परसेंटेज खत्म हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस आज पढ़ा देंगे, ठीक है 15 मिनट है ना। एक कस्बे की जनसंख्या कितना है बोलिए, 133575 बढ़ के कितना हो गया, 138918, कितना बढ़ा, घटाइए, 8 में 5 गया 3, 11 में 7 गया 4, 8 में 5 गया 3, 7 में 8 में 3 गया 5, ये इतना बढ़ा कि घटा, बढ़ा किसमें, 1, 3, 3, 5, 7, 5 गुना क्या करेंगे, एक हो गया 4% का आसपास आएगा, देख लीजिए, ठीक है जो भी आएगा गुना कर लिए, 25 बार में कटेगा, ठीक है तो 4% आएगा, देख लीजिएगा अपना कटा पटा के, कटाएंगे तो आपका समय ही किल होगा ना गुना भाग करने में, कोई दिक्कत, लिखिए क्वेश्चन एक और जल्दी से, एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 थी, एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 थी, यदि एक वर्ष बाद, एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 थी, यदि एक वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या 15,000 हो जाए, यदि एक वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या 15,000 हो जाए तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, आ गया सबका, क्लियर है, तो पहले जनसंख्या कितना था बोलिए 12,000, फिर कितना हो गया 15,000, कितना बढ़ा 3,000, किसमें बढ़ा 12,000 में, जिसमें जिससे कंपैरिजन या तुलना करेंगे उसी को नीचे रखेंगे, 12,000 से ना तुलना कर रहे हैं, 12,000 नीचे, अब प्रतिशत के लिए किससे गुना करते हैं 100 से, बस ये 3 जीरो यहीं से कट गया, 3 × 4 = 12, 4 से क्या बार में 25% का वृद्धि की कमी, 12,000 से हो गया 15,000 तो कमी हो गया, तब कितना होगा वृद्धि 12,000,
क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21, दो को बचाए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 21 20 दोनों के है। 21 नंबर क्या था सुनिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला, अवैध मतों की संख्या कुल मतों का क्या है। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार समझ में आए तो चार बार पढ़िए, तो आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, दो कुछ है ये नहीं, क्वेश्चन देख के कहेगा दो ऐसा नहीं बनता है, टाइप हमसे नहीं आता, उम्मीद वाला नहीं बनता है, चुनाव वाला नहीं बनता है, इसे बीमारी नहीं रखी दिमाग में, अक्सर के यही रहता है कि चुनाव वाला नहीं बनेगा, कॉफी वाला नहीं बनेगा, सब कोई बात है, पढ़वे नहीं करेगा कौन बनेगा। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का कत्ता मिला 55, तो दो गो उम्मीदवार था, एक दो, एक को वैध मतों का कत्ता मिला 55, तो दूसरे कत्ता मिलेगा 45, सौ पुर गया नहीं पूरा 100 करेक्ट, टोटल कत्ता मत है बोलिए, कुल मत 100 है, बताइए तो कत्ता है, लिखा है 75 कुल मत है। अब कह रहा है क्या कि 20% मत क्या हुआ अवैध, मतलब रिजेक्ट हो गया, जहां मुहर मार मतलब उल्टे उल्टे मार दिया, अड़बड़ा दिया, तो अवैध हो गया, तो वैध मत कत्ता होगा, वैध का मतलब वैलिड वोट्स, वैध मत कत्ता होगा, तो 7500 में 20% तो खत्म हो गया, तो कत्ता परसेंट सही बचा 80% सही बचा, कत्ता सही बचा 80/100, ये बचा वैध मत, वैलिड वोट्स, कटा दिए 0 0 0 8 5 40 9 4 4 4 4, तो 6000 मत क्या हुआ वैध, किसी को कोई दिक्कत, टोटल मत था आपका 7500, 20% रिजेक्ट हो गया, 80% सही को ही बोलते हैं वैध मत, क्लियर है ये। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाला वैध मत कत्ता होगा, दूसरे उम्मीदवार कत्ता मिला है 45%, तो 6000 का 45% कत्ता होगा 2700, ये होगा क्या, देखिए कितना होगा 2700, गुना कर लीजिएगा, वो याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते आया समझ में, कि एक को मिला 55% वैध मतों का, तो दूसरे को मिला 4500 हो गया, टोटल मत था कितना 7500, 20% रिजेक्ट हो गया, 80% सही मतलब 600 मत, 6000 मत क्या हुआ सही मत, कर दूसरे उम्मीदवार को कितना सही मिला, तो 45% मिला, किसका 45%, 6000 का बस, ठीक है, क्लियर है ये। एक क्वेश्चन बचा है 20, देखिएगा ध्यान से, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हैं, कह रहा है क्या, किसी प्रदर्शनी में अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, बोला कि 1 टका लगेगा अंदर जाने का, बाद में यह दर 25% घटा दिया, बाद में बोला कि नहीं 75 पैसा टिकट का दाम है, नहीं आदमी जाने लगा तो टिकट नहीं घटाएगा, आदमी नहीं जाएगा टिकट क्या होगा घटा देगा, तो पहले टिकट का दाम कितना था 1 रुपया में कितना पैसा 100 पैसा था, कोई दिक्कत, बाद में कितना घटा दिए तो कितना पैसा हो गया 75 पैसा हो गया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है क्या, जिसके कारण टिकट की बिक्री 20% क्या हो गई अधिक हो गई, टिकट की बिक्री 20%, पहले टिकट बिकता होगा, पहले टिकट बिकता होगा टिकट 100, टिकट की बिक्री पहले 100 रुपया टिकट बिकता होगा मान लेते हैं 100 रुपया का, अब कब तक टिकट की संख्या लिखा है क्या, जिसके कारण कि टिकट की बिक्री 20% अधिक हुई, मतलब जितना, यही है सेंस क्वेश्चन समझने का, अगर इसको लोग समझ लेगा टिकट की संख्या तो वो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ बोलता टिकट की संख्या में 20% वृद्धि हो जाए तब टिकट का संख्या होता, टिकट का बिक्री 20% अधिक का मतलब है पहले 100 टिकट बिकता था 120 का टिकट बिकेगा, ये हुआ, तो कह रहे टिकट की बिक्री कितना अधिक हो गई 20%, तो पहले 100 टका का टिकट बिकता था अब कितना का बिकेगा 120 रुपया का टिकट बिकने लगा, कोई दिक्कत, पहले 100 का टिकट बिकता था, पहले टिकट का रेट कितना था 1 रुपया नहीं था 100 पैसा बोलते हैं, उसके बाद कितना हो गया 75 पैसा, 70 रुपया बोले 3/4 रुपया बोले 75 पैसा 3/4 रुपया बोल सकते हैं, नहीं समझे
75 पैसा है, 100 भाग देंगे। संख्या लिखा है कहीं, आप दिखाइए टिकट की संख्या कहाँ लिखा है, पढ़िए बढ़िया। टिकट की बिक्री हमेशा पैसा में काउंट होता है, इतना का टिकट बिका, नहीं बोलता है 1000 का टिकट आज बेचे हैं, बोलता है कि नहीं, कतक टिकट बिका रे, 1.5 लाख का टिकट बेच चुका है, मतलब क्या टिकट 1.5 लाख का मतलब पैसा, समझ गए, वो कह रहा है। तो पहले टिकट का दाम था 1 रुपया, बाद में हो गया 3/4 रुपया, 175 हो गया, ये क्लियर है। तो टिकट पहले बिकता था कब तक का 100, अब कब तक बिका 120 का, तो दर्शक कब तक आया होगा, अच्छा मतलब 1 टका टिकट का दाम है, 100 टका, 100 दर्शक आया होगा। अगर टिकट का दाम 2 टका है, 100 रुपया टिकट बिका है, क्या भी आया होगा, 100 रुपया आपके पास आ रहा है और हर टिकट का दाम 2 टका है, क्या आदमी आया होगा, 50 भाग देंगे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ 100 में किससे भाग देंगे, 1 रुपया से, पहले 1 रुपया दाम था, यहाँ 120 में किससे भाग देंगे, 75 पैसा से, 3/4 से, 2100 होगा, 71 होगा, पलट जाएगा, 4 ऊपर ना चल जाएगा, 120 × 4/3 से कटे, 3×4 = 12, 40 बार में 0 0 कट जाएगा, हो 2 से क्या बार में, 5 बार में, 2 से 2 बार में, तो 5:1 कितना आया, 5:4 × 8 कितना बढ़ा, 3, किस में, 5 में, गुना 100, 5×20 = 60% का देगी, समझ में आया। फिर सुनिए एक बार, पहले टिकट का, इसको मिटा देते हैं, ठीक, पहले टिकट का छोड़िए, पहले टिकट का दाम कितना था, 1 रुपया, फिर कितना हो गया, 75 पैसा, 3/4 रुपया, तो पहले 100 रुपया में टिकट बिकता था, अब 120 रुपया का टिकट बिक रहा है, आदमी निकाल लेंगे, तो 1 टका दाम था, 100 रुपया टिकट, 100 आदमी आता होगा, अब 120 का दाम हो गया, तो रुपया भी घट गया, तो 120/3/4 रुपया, तो 4 नीचे ऊपर चला जाएगा, कटा देंगे तब तक आएगा, ये देखिए 3×4 = 12, 40 हुआ, और 40×1 = 60, देखिए मेरे भाई यही इतना देर से आपको समझा रहे हैं, इतना देर समझाने में यही लगा रहे, संख्या कहाँ लिखा है, नहीं भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप जब सिनेमा हॉल में ऑडिट करने कोई जाता है तो क्या कहता है, कितना का टिकट बिका, कहता है कि नहीं, कि संख्या देखता है क्या को टिकट बिका, आप मेरी बात सुनिए, आप चाय, हम मान लेते हैं हम चाय का दुकानदार है, चाय बेचते हैं, हम चाय गिनेंगे कि पैसा गिनेंगे, काउंटर में हमारे पास कितना आया, क्या हम गिनेंगे, खपड़िया गिनेंगे क्या, खपड़िया 1, 2, 3, 4 आज तारीख 17 को बेचे, ऐसा बोलेंगे, हम काउंटर से पैसा गिनेंगे, क्या गिनेंगे, पैसा, उससे हमको पता चल जाएगा क्या को हमारा चाय बिका है कि नहीं, समझ में आए, समझ में आए, हम गिनने लगेंगे खपड़ी चुन चुन के, वो उधर गया वो, तो इसलिए आप समझिए इस बात को कि जब भी इसकी चर्चा करती है तो पैसा काउंट करेगा कि काउंटर में कितना आया, अकाउंट में ऑडिट करे कितना आया, इन एक आदमी कितना आया, वो तो पता चल जाएगा, 100 टका तो हम टिकट का, 1000 टका है, तो 10 को आदमी आया होगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 टका टिकट का दाम था, पहले 4 रुपया दाम था, फिर से बता रहे हैं, पहले कितना दाम था, बोलिए, पहले 1 रुपया दाम था, फिर कितना दाम हो गया, 75 पैसा हो गया, बाद में कितना घट गया, 75 पैसा को बोले 0.75 रुपया, अब बोलिए इसमें भी दिक्कत किसी को है, अरे 0.75 में दिक्कत है ना, तो पहले बिकता था कत्ता का टिकट 100 रुपया का, अब कत्तक बिकने लगा 120 रुपया का टिकट बिकने लगा, नहीं बढ़ने लगा, तो कह रहा है दर्शक की संख्या कत्ता बढ़ा, तो पहले था 100 रुपया टिकट दाम था, 1 टिकट का 1 टका, तो 100/1 आदमी आता होगा, नहीं आता होगा, अगर टिकट का दाम 5 टका रहता 100/5 तो 20 बार में होता होगा, आदमी ने दौड़ दौड़ के पकड़िएगा क्या आया। अब देखिए अब 120 है और 75 पैसा है, तो किससे भाग देंगे, 75 से भाग देंगे ना, देंगे, अब पॉइंट हटा दीजिए, क्या 0 पर जाएगा, 2 0, 25 × 75 तो 12 × 125 = 140 हो जाएगा, 3 से कटाए 3×12, तो ये 100:1 कितना हुआ, 40×160, तो 100 से दर्शक कितना आ गया, 160, तो कितना परसेंट दर्शक बढ़ा, 60% बढ़ा, अब क्लियर हुआ, कितना परसेंट दर्शक बढ़ा, 60% दर्शक बढ़ा, नहीं समझ में आया। अक्सर आदमी कहता है कि संख्या संख्या, कहीं संख्या लिखा है, ये नहीं है, आप जबरदस्ती संख्या बना रहे, टिकट की बिक्री 20 रुपया दिखोगे, मतलब जितना का पहले टिकट बेचते थे, अब पैसा बढ़ गया टिकट का, तो दर्शक का संख्या क्या होगा, भाग देंगे, ठीक है।
हाँ अगर टिकट की संख्या रहता तब गुना करते, तब गुना करते, ठीक है, क्लियर है ये। परसेंटेज देखिए आपका लगभग खत्म हो गया, ठीक है, परसेंटेज जो भी था बना लीजिएगा परसेंटेज लगभग 11 नंबर। कारण एक संख्या का 50% उसी संख्या के, देखिए एक संख्या का कितना परसेंट 50% उसी संख्या के 35% से कितना अधिक है 39, तो कितना अंतर है दोनों में बोलिए, तो 15% बराबर 39, तो 1% बराबर कितना होगा 39/15, तो कितना प्रतिशत का रहा है 115% क्या होगा, 39/15 गुना 115, 5 से कटाइए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 23 बार में, 3 से क्या बार में 13 बार में, 23 × 13 कीजिए, 23 × 69 के 9 + 5 = 6, 23 × 21 = 6, ये होगा क्या 299, हुआ क्लियर, क्लियर हुआ। अधिक या कम हमेशा अंतर ही होता है, याद रखिएगा, अधिक हो या कम हो हमेशा क्या होगा अंतर होगा, क्लियर है। कल आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, बहुत आसान है प्रॉफिट लॉस।